हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके SST की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपके SST में ज्योग्राफी का चैप्टर 5, जिसका कि हम आधा पार्ट पहले रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं, आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों महाद्वीपों के बारे में पढ़ा था। तो कितने महाद्वीप हैं? कुल 7। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महासागरों के बारे में। कौन कौन से महाद्वीप हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, आज हम महासागर के बारे में पढ़ेंगे। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागर जो हैं बच्चों, वो सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल की मुख्य गतियाँ हैं। कौन कौन सी मुख्य गतियाँ हैं महासागरीय जल की? तरंगे, ज्वारभाटा तथा महासागरीय धाराएँ। ठीक है, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रम से 5 महासागर मुख्य हैं। बड़े से छोटे यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, फिर उसके बाद आता है अटलांटिक, फिर हिंद, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसके बाद आपका देखते हैं प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है? एक तिहाई भाग पर। पृथ्वी का सबसे भाग गहरा भाग, ये हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। कैसा है? लगभग वृत्ताकार यानी गोल वृत्त की तरह। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों को स्थिति का पता लगाइए। तो मैंने आपको चित्र दिखाया था, आपकी बुक में है, आप उसे देखिए और देखिए प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से महाद्वीप हैं। इसके बाद आपका आता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के समान है, यानी कि इसका जो आकार है वो अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार के समान है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित यानी कि दांतों के समान। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति, यानी कि यहाँ पर जो है वो आदर्श स्थिति किसके? पोताश्रयों और पत्तनों के लिए। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि जितनी भी महासागर में चलने वाली वो जहाज़ जो होते हैं वो यहीं पर आकर रुकते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये सब इसका क्या है कि दंतुरित है, इसका जो तट है वो दंतुरित है, इसलिए यहाँ पे वो आकर रुकते हैं सब जहाज़ वगैरह, और उससे क्या होता है कि ये व्यापार की दृष्टि सबसे व्यस्त महासागर रहता है। इसके बाद आपका आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर जो है बच्चों, वो ऐसा है कि जिसका नाम जो है देश के नाम पर पड़ा है। हमारे देश का नाम पहले हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान के नाम पर ही हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की आकृति का है। कैसी आकृति का है? त्रिभुज की आकृति का। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। बच्चों, आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, क्योंकि आपके बीच बीच में इसमें क्वेश्चंस हर बार आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो मान लो आपका ये बन सकता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका आकार त्रिभुजाकार है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है और अच्छे से समझना भी है। ठीक है, दक्षिणी महासागर अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। इसके बाद कौन सा है हिंद महासागर के बाद? दक्षिणी महासागर। ये क्या करता है? अटलांटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका, अटलांटिक नहीं अंटार्कटिका है बच्चों, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। लास्ट में बच्चों आपका लास्ट आता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। किससे जुड़ा है? छिछले जल वाले भाग, सकरे भाग से। वो तो जब हमने महाद्वीपों में पढ़ा था, उत्तरी और दक्षिणी
अमेरिका वाले दोनों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप थे वो कौन सी संधि से जुड़े थे? पनामा स्थल संधि से, वो क्योंकि स्थल भाग से जुड़े थे। ये किससे जुड़ा? जल वाले भाग से जुड़ा, इसलिए क्या कहते हैं? बेरिंग जन संधि के नाम से। कौन सी जल संधि? बेरिंग। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। ठीक है, तो बच्चों हमने महाद्वीप और महासागरों के बारे में पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल। किससे घिरी है? चारों तरफ से गैसों से घिरी है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग श्वास लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी के सतह शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, वायुमंडल जो है उसको 5 परतों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी सबसे नीचे क्षोभ मंडल। जब हम पृथ्वी की के भूखंड से ऊपर की ओर जाते हैं, भूमंडल से ऊपर की ओर जाते, सबसे पहले आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर आपका आता है समताप मंडल, फिर आपका आता है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, तो वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% यानी 78%, ऑक्सीजन 21%, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। जो हमारा वायुमंडल है बच्चों, उसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन जो है वो 21% है और अन्य जो गैसें हैं वो 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑक्सीजन हम सांस में लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और पेड़ पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो किस लिए आवश्यक है? प्राणियों की वृद्धि के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, इससे पृथ्वी गर्म रहती है और यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेज़ी के साथ घटता है। यानी कि जब आप भूमंडल से ऊपर की ओर जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो वैसे वैसे जो तापमान है ये तेज़ी से, जो समुद्री जल का घनत्व है या तापमान है, जो तेज़ी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों तथा पर्वतों पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव बनाता है, यह दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जो होती है बच्चों उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। यानी कि जहाँ पे दाब ज़्यादा होगा वायु वहाँ से उठकर जहाँ पे कम होगा दाब उधर की ओर बहेगी। ठीक है, और इस गतिशील वायु क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बच्चों, आपके जो बच्चों पांच इन्होंने यहाँ पे मंडल बताए थे, कौन कौन से वायुमंडल में जो पांच इन्होंने परतें बताई थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। समताप मंडल जो होता है बच्चों, उसमें आपके वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, और आयन मंडल जो होता है इसमें रेडियो तरंगों से संबंधित होता है। ठीक है, क्षोभ मंडल जो होता है वो सबसे नीचे होता है। अब इसके बाद हम आपका देखते हैं जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। कौन सा मंडल है? जीव मंडल। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो उसकी सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। सभी प्राणी आपस में जीवित रहने के लिए किससे जुड़े हुए हैं? जीव मंडल से। ठीक है, ऑक्सीजन के जीवमंडल के प्राणियों को मुख्य दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? जंतु जगत और पादप जगत। ठीक है, पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए
वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन। क्या हो रहा है कि उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होने के कारण पृथ्वी के तापमान में भी जो है वो लगातार वृद्धि, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो रही है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं? भूमंडलीय तापन। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? हमने महाद्वीप, महासागरों के बारे में पढ़ा बच्चों, कितने महाद्वीप, कितने महासागर, ये सब आपने पढ़ा, और कौन सा महासागर, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर है, कैसे कैसे है, पृथ्वी की परतों के, वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी परतें हैं, कौन सी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना है, इसके बाद मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और लर्न करने हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।